यूपी के मुजफ्फरनगर में नकाबपोश बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप में हमला करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि वहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ हथियारबंद हमलावर ने पेट्रोल पंप पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच कुछ हमलावर पेट्रोल पंप मालिक के कैबिन में घुस गए। दावा किया गया कि हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर मालिक को घायल कर दिया। वहीं पेट्रोल पंप पर हमले की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ नकाबपोश लोग पेट्रोल पंप मालिक के कैबिन में घुसते और तोड़फोड़ करते नजर आए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। गाड़ी खड़ी करने के ऊपर उनका विवाद था और उस पर कुछ टोकाटाकी कुछ देर पहले हुई थी, उसी में बाद में कुछ लोगों ने आकर मारपीट की है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल पंप मालिक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीएसपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी है। बीएसपी ने कांग्रेस के सामने शर्त रखते हुए मांग की है कि दोनों राज्यों में 2 अप्रैल के भारत बंद के समय जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। चेतावनी भरे लहजे में बीएसपी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं है और बीएसपी का सरकार को समर्थन हासिल है। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को सिंघम बताते हुए उनके कई पोस्टर लगाए। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली जीत का जश्न मनाया, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कई बैनर और पोस्टर लगाए, जिनमें एक बैनर पर राहुल को पुलिस की वर्दी में दिखाया गया और उसमें उन्हें जन रक्षक बताया गया। उसी बैनर में दूसरी ओर एक नाव में पीएम और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिखाया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ने बैनर में पुलिस की तरह दिखाए गए राहुल गांधी की आरती उतारी और तिलक किया। फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी तरह के कई पोस्टर अलग अलग जगहों पर चिपका दिए और केक काट कर 3 राज्यों में जीत का जश्न मनाया। हम लोगों ने राहुल जी को एक जनरक्षक की भूमिका में दर्शाया है और ये उम्मीद करते हैं कि 2019 में वो भारत के प्रधानमंत्री हो रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि 2019 में केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।